हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग विद राज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों के बारे में, क्योंकि दोनों के तरफ से बड़ी खबर निकल कर आई है। तो इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इसका क्या असर हमें देखने को मिल सकता है इसके आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, सारा चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में। टाटा पावर के साथ PPA पर हस्ताक्षर किए, पुणे संयंत्र में 3 मेगावाट की सौर रूफटॉप परियोजना चालू करने के लिए FPJ वेब डेस्क द्वारा अपडेट किया गया। मंगलवार 14 सितंबर 2021 दोपहर 1 बजे IST। इस सोलर रूफटॉप परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 45 लाख किलोवाट घंटा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 3538 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। PPA पर हस्ताक्षर टाटा मोटर्स। ऊर्जा के संरक्षण और अपने सभी परिचालनों के लिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट PVBU संयंत्र में 3 मेगावाट पी की रूफटॉप सौर परियोजना को स्थापित और संचालित करने के लिए टाटा पावर के साथ एक सौर ऊर्जा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पुणे में इस सोलर रूफटॉप परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 45 लाख के WH उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में लगभग 3538 टन प्रति वर्ष की कमी आएगी। राजेश खत्री, उपाध्यक्ष संचालन यात्री वाहन व्यापार इकाई टाटा मोटर्स ने कहा, पुणे में हमारे कार संयंत्र में भारत के सबसे बड़े सौर कापोर्ट के हाल ही में उद्घाटन के बाद यह परियोजना पर हमारे प्रभाव को कम करने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक नया मील का पत्थर है। प्लैनेट ऊर्जा दक्षता हमारे प्रयासों के मूल में है और GHG उत्सर्जन को कम करने और हमारे उत्पादों के कार्बन पदचिह्न एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपनी विनिर्माण सुविधाओं में ऊर्जा का संरक्षण जारी रखेंगे, गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन की खपत, ऊर्जा उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन शमन और कम परिचालन लागत का अनुकूलन करेंगे। टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी के बारे में बात करते हुए रविंदर सिंह, चीफ सोलर रूफटॉप्स बिजनेस टाटा पावर ने कहा, टाटा की एक पहल के रूप में हमें टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है, ताकि वे अपनी PVBU पुणे इकाई को बदलने में मदद कर सकें। यह साझेदारी टाटा मोटर्स को अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और अपने शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के हमारे सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। हम ऐसे भविष्य केंद्रित हरित ऊर्जा समाधान प्रदान करना जारी रखेंगे और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके अपने भागीदारों और ग्राहकों को मजबूत करना जारी रखेंगे। प्रकाशित आशा करता हूं आपको यहां पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। ये बड़ी खबर है टाटा मोटर्स की तरफ से भी और टाटा पावर की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।